कभी नहीं सुधरोगी चू। अंदर जाके बोल, आज घर में मिष्ठान बनेगा। कोई मेहमान आने वाला है क्या दादा? दादा दादा, वैसे कितने लोगों का खाना बनवाना है? 50-60 लोगों का। अरे ओ दादा, 60? आप लोगों को तो पता ही होगा। वैसे कौन कौन आ रहा है? कुछ खास बात है क्या? मोटे, आप तो सिर्फ बढ़िया सा खाना बनाइए, उसके बाद में मजा देखिए। कैसी है अब तुम्हारी दोस्त? आपको क्या हुआ ये? किसने मारा आपको? कर्म का फल है और इससे कोई बरी नहीं हो सकता। पत्थर मारोगे तो पत्थर खाना भी पड़ेगा। आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, आपको डर नहीं लगता? डर तो उन्हें है जिन्होंने वो पत्थर मारा है, और मैं तो प्यार सिखाने आया हूँ। जहाँ प्यार होता है वहाँ डर कहाँ होता है? बुलाया सिर्फ अप्पा को? आखिर क्या चाल चल रही है दादा? किसी जरूरी काम से बुलाया मुझे? अरे ओ, अब ऐसे मिलने जुलने के लिए समय कहाँ मिलता है अप्पा जी? और आप तो जानते हैं पूरे शिरडी का उत्तरदायित्व है हम पर। आप भी बड़े व्यस्त रहते हैं गांव में, अन्नदान का काम जो करते हो आप पति पत्नी। अन्नदान तो पुण्य का काम होता है। गांव की रक्षा करना, गांव का कार्यभार संभालना, ये भी पुण्य का ही काम होता है अप्पा जी। क्योंकि अंग्रेज सरकार के हर प्रश्न का उत्तर जो देना पड़ता है हमें। लेकिन आप ये सब कहां समझेंगे? आप जैसे लोगों से चार हाथ दूर ही रहती है अंग्रेज सरकार। अरे ओम, वैसे मैं आपको बता दूं अप्पा जी, आपके इस अन्नदान के बारे में बड़ी रुचि और जानकारी रखता हूं मैं। मेरी शिरडी में ऐसे पुण्य का काम करने वाले व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। वैसे मैं भाई साहब का को भी आमंत्रित करना चाहता था। स्त्रियों का बहुत सम्मान करता हूं मैं। ऐसे पुण्य का काम करने वाली स्त्री का अगर मैं सम्मान कर पाता तो बड़ी प्रसन्नता होती मुझे। लेकिन वो संभव ना हुआ। चलिए, उनके भाग का सम्मान आपको दिए देता हूं मैं। लगता है कि अप्पा और इनकी पत्नी ने जरूर कुछ गड़बड़ की है।
पर मुझे क्या, जो भी है आज मजा बहुत आने वाला है। तो आरंभ करें अप्पा जी। आप क्या आरंभ करने के लिए कह रहे हैं? भोजन। इसकी कोई आवश्यकता नहीं, वैसे भी मैं घर पर बता के नहीं आया। घर पर खाना बन चुका होगा और सब राह भी देख रहे होंगे। ओ पप्पा जी, आप भोजन को ना कह रहे हैं, अन्न को ना कह रहे हैं। मैंने तो विशेष आपके लिए भोजन बनवाया है। अन्न का अपमान मत कीजिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा भोजन जरूर करूंगा। अरे देख क्या रहे हो, हाथ धोने के लिए पानी दो, जाओ। आइए अप्पा जी, आइए आइए आइए। हरिओम। एक था आज उपवास है मेरा, आप अन्न ग्रहण कर हमें धन्य कीजिए। क्या कर रहे हैं अप्पा जी? भोजन अधूरा छोड़ना तो और भी अपमान है अन्न का। समाप्त कीजिए, जितना है थाली में वरना व्यर्थ जाएगा नाली में। ठीक है, अन्न का अपमान नहीं होना चाहिए। जितना परोसा गया है उसे खत्म करता हूं। के घाव पर कब समझोगी, कब सीखोगी दुनियादारी? समय बदल गया है बाईजा, ये जो दुनिया है ना, भलाई करने वाले लोगों को मूर्ख बना के लूटती है। ये जो तुम कर रही हो ना, एक दिन हमारे परिवार को इसकी भरपाई करनी पड़ेगी, समझी? क्या कर रही है? ओहो क्षमा कीजिए, मुझे तो लगा आपको और चाहिए, पर आपको परोस दिया है, खा लीजिए। देखिए मैं इतना नहीं खा पाऊंगा। मगर अभी तो आपने दादा से कहा ना कि थाली में जितना होगा खा लूंगा, है ना? अप्पा जी हट्टे कट्टे हैं, बचा लेंगे। आहा बचा ही लेंगे। हाँ
ऐसे ही अकेले रहते आए हैं? इंसान अकेला कब होता है जानती हो? जब वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। मतलब ये कि जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने लिए सोचते हैं, तो हमें अपने सिवा कोई भी नजर नहीं आता। हमारे साथ कितने ही लोग क्यों ना हो, हम अकेले ही होते हैं। लेकिन जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों के लिए सोचते हैं, तो भले ही हमारे साथ कोई भी ना हो, हम फिर भी अकेले नहीं होते। और इसीलिए मैं कभी भी अकेला नहीं होता। के लिए नहीं कहा है अप्पा जी। समझ नहीं पा रहा हूं कि आप चाहते क्या है। अन्नदान को महापुण्य समझते हैं, इतना महत्व देते हैं अन्नदान को कि मेरे आदेशों की अवमानना करने से भी आप लोग नहीं चूकते हो। अवमानना? कैसी अवमानना? बायजा का। उन्होंने उस बैरागी को भोजन कराया। जब हमने उन्हें सरकार का आदेश याद दिलाया तो उन्होंने हमें ही डांट दिया। यदि आपने ये सारा भोजन समाप्त नहीं किया तो आप साई को शिरडी से बाहर निकालेंगे। अपने साई के लिए आप इतना तो करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो अब तो अप्पा जी को कोई चमत्कार ही बचा सकता है। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। सब कहते हैं कि आप चमत्कार करते हैं। समय ही कुछ ऐसा आ गया है कि लोग एक दूसरे की मदद करना ही नहीं चाहते हैं। और ऐसे में अगर कोई किसी की मदद कर दे तो लोगों को चमत्कार ही लगता है। आप मेरी किसी भी बात का सीधा सीधा उत्तर क्यों नहीं देते? मदद तो आप करते ही है। मोनी को आपने ठीक कर दिया, वो भी तो एक चमत्कार था। लोगों को लगता है आपके पास कोई शक्ति है क्या? जब किसी दूसरे की तकलीफ से हमें तकलीफ होने लगे और किसी भी कीमत पर उसकी मदद करने की इच्छा पैदा हो, तब हम
हमारे अंदर ऐसी शक्तियां जाग जाती हैं जो हमने कभी सोची भी नहीं होती। खास तौर पर जब किसी निर्दोष और साफ दिल वाले इंसान के साथ अन्याय हो रहा है, तो उसकी मदद के लिए तो भगवान भी आ जाते हैं। अब मैं ये समझा आपकी चाल। मैं जानता हूं कि अंग्रेजों ने जो आपको अधिकार दिए है उसके मुताबिक आप साई को बिना किसी के सहमति के यहां से निकाल सकते हैं, पर भी आप ऐसा कर नहीं पा रहे। इसके पीछे जरूर कोई ना कोई रहस्य है। और जहां तक रहा मेरा सवाल, तो मैं आपको ऐसा कोई बहाना नहीं दूंगा जिससे कि मेरे साई मुश्किल में पड़ जाए। इसलिए आज मैं भोजन करूंगा और करता ही रहूंगा। आप अड़े रहिए अपनी जिद पर और मैं अपने विश्वास पर कायम रहूंगा, जैसा मुझे मेरे साई पर है। ऐसा क्या है साई में जो आप अपने प्राणों की भी चिंता नहीं कर रहे हैं? पांडुरंगा पगरे बाबा था। पचास लोगों का बना है लेकिन खाने वाला सिर्फ एक व्यक्ति है, वो भी कितना खाएंगे? तो इतना सारा खाना है, सारा खाना व्यर्थ जाएगा और अन्न का अपमान समझ में क्यों नहीं आ रहा है? इसका पाप उन्हें ही लगेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, बड़ा अनर्थ होने वाला है। भाई साहब का को बुलाना होगा। नर्मदा जाओ, जाकर भाई साहब को बुला के लाओ। जाओ चल। क्या बात है? आप बस जल्दी चलिए, वो अप्पा अप्पा को कुलकर्णी सरकार में।
ये हिचकी मेरी अचानक कैसे रुक गई? कहां से आ गई अब? अहो भाग मारे, आप तो स्वयं पधारे। देखिए ना, एक भिखारी की सहायता करने के कारण आपकी नात, आपके स्वामी कितने बड़े संकट में है। चलिए उठिए, आपके उठने से खाने का कोई अपमान नहीं होगा। खाने को अपने अहंकार की पूर्ति का शस्त्र बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं ये। जलेबी खाओगे? बिगाड़ा है हमने या साई ने आपका? मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने विकल्प दिया था आपके पति को, या तो खाओ या तो उस भिखारी को निकालो। लेकिन देखिए ना, आपके पति को भोजन भी प्रिय है और वो भिखारी भी, उसमें मैं क्या कर सकता? आप तो बड़ी समझदार हो, आप जाके कहो ना उस भिखारी से कि यहां से चला जाए, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपा जी खाते खाते हरिओम हो जाए।